जिथे रफली है भी मेरे ख्याल से एक एक वोट के उत्ते जिहड़ा इन्हां नूं लख लख रुपया खर्चा जरूर आऊगा उहदा हिसाब लवांगे। पर उस तो पहला जिहड़ा मैं समझदा भी क्योंकि बीजेपी की जिहड़ी पॉलिसी है ते खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसी है जिन्हों लोग है बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कुछ दिनों तो, क्योंकि कल केजरीवाल साहब इत्थे आए से उन्होंने सामने अपने आप नूं सच्चा सुच्चा उन्हों का भगत साबित करने वास्ते भगवंत मान जी कपड़िया चो बहर हो गए। कुछ बहुत सारिया गल्लां उन्होंने जिहड़े एक मुख्यमंत्री के मूँह तो शोभा नहीं दिंदियां उन्होंने प्रधानमंत्री वास्ते कही बीजेपी वास्ते कही। मैं उन्होंने एक गल दसना चाहना साढ़े पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने भगवंत मान जी बीजेपी नूं थोड़े तो राष्ट्र भगती दी पंजाब दे प्रति प्रेम दे किसी सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं, पर बीजेपी खिलाफ है, बीजेपी खिलाफ है करप्शन दे, चाहे वह तुसीं पंजाब दे लोकां दा पैसा उत्थे फूक के आए हो, चाहे जिहड़े तुसीं कह रहे हो भी एक मंत्री जी नूं इस करके पकड़ के ईडी ने अंदर करता भी वह हस्पताल चंगे बना रहे सीगे, नहीं सर वह दारू वाली स्कीम बना रहे सीगे, पॉलिसी बना रहे सीगे, वो कह रहे थे भी दूजे सतेंद्र जैन के अलावा सिसोदिया साहब को पकड़ के अंदर करता कि स्कूल वधिया बना रहे थे, नहीं साहब स्कूल नहीं, वो पढ़ाई कर रहे थे, वो पॉलिसी जी एक्साइज पॉलिसी की असी पैसों का उन्हों का भी हिसाब लवेंगे। तो भगवंत मान जी वो जी पॉलिसी इतने आके लगे हिसाब वह भी लवेंगे उन्होंने खिलाफ हाँ, असी हर उस बंदे के खिलाफ हर उस पार्टी के खिलाफ हाँ जिहड़े पंजाब का नुकसान पंजाब के सरमाए का नुकसान कर रही है, चाहे वह हवाई जहाज से तेल फूक के कर रही है, चाहे इत्थे वाले पैसे जिहड़े रेते दे पैसे सी, चाहे दारू दे पैसे सीगे वो जाके उत्थे जिहड़े आ इन्होंने कहिंदे बड़ा इतिहासिक इकट्ठ कीता उत्थे जाके भगवंत मान जी ने बड़ा भाषण दिता 1500 1500 2000 रुपये जे बंदे लिया के इकट्ठे किए सी, वो पैसा भी इत्थों गया रेते वाला गया दारू वाला गया, उन्हां सारयां दा हिसाब होऊगा, थोड़ा जिहा सबर रखो। टाइम कहिंदे ना जिहड़ी आ कानून वाली चक्की पीस दी बड़े हौली हौली है पर पीस की बहुत बरीक है, बचना कोई भी नहीं। एक गरंटी देखो वो गरंटी लोगों ने इन सारे की गरंटियां खारिज करके मोदी साहब की गरंटी, मोदी साहब ने कहा मैं राष्ट्र को मजबूत करूंगा, राष्ट्र का विकास करूंगा, और उन्होंने कहा भी है मेरे वास्ते जी चार कैटेगरीज है, चाहे वह किसान है, चाहे वह जवान है, यह जे नौजवान है, यह जे महिलावान है, जे लोग पिछड़ गए, गरीब जड़े है, वह सब तो वीडी एक क्लास है, जमात है, जिन्होंने मैं विकसित करूँगा। मैं समझदा भी उस कैटेगरी से पूरा हिंदुस्तान कवर होंगे, वो गरंटी को स्वीकार किया। मोदी साहब डबल इंजन जी सरकार कह रहे थे जिदा कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते नतीजा आ थोड़े सामने है, तो मैं नहीं समझदा भी ये बाद सामने वो मैं कह रहा भी एक बहुत व्डा बदलाव जोड़ा देख रहे हो, वो क्योंकि इतने जी डायरैक्ट फाइट जी सी कांग्रेस के नाल सी, दूजे पास इंडिया तो हूँ खैरू खैरू हो गया सब, हुण कोई सामने होगा कौन सा विकल्प केड़ा है, लोग अगर देखेंगे अगर कोई विकल्प भी पालनगे बट देर हैज़ टू बी ए विकल्प, वो है ही नहीं, विकल्प खत्म हो गया साहब। कांग्रेस अज मैं समझदा जी एक रेस के अंदर अंदर पोल पोजिशन दे हैव लॉस्ट दैट पोल पोजिशन, अज इन्हों आम वाली आम आदमी पार्टी ने मूँह नहीं लड़ा, देख लियो तुम आ जे कहते ना भी इतने सीटा वंडांगे ये करांगे, निबड़ गया मेरे ख्याल काम, अज निबड़ गया काम क्योंकि इन्होंने मूँह नहीं लाना, चाहे इन्होंने पल्ले एक वोट नहीं आया पर अच्छ इन्होंने भी मूँह नहीं लाना।